This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़े की दुकानों में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से दो इमारतें ढह गई। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सिक्किम में लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। पीएम मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात करेंगे। आज दोपहर 2:15 बजे मैक्रों से उनकी मुलाकात होगी। G7 में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी इटली पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 22 जुलाई को लोकसभा में पेश हो सकता है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चल सकता है। भुवनेश्वर ओडिशा बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने नारीत्व का जश्न मनाने वाली 3 दिवसीय त्यौहार राजा परवा के उद्घाटन में भाग लिया है जो पूरे ओडिशा में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज 0.39 ISD पर रिक्टर पैमाने पर 3.0 तीव्रता का भूकंप आया है। नोएडा पुलिस और क्राइम रिस्पांस टीम के संयुक्त अभियान में 1 करोड़ रुपए की मूल्य की लगभग 2500 प्रतिबंधित ई सिगरेट जब्त की गई है। नीट 2024 एग्जाम में कथित हेरफेर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एनटी ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुवैत में मजदूरों की एक बिल्डिंग में आग लगने से 40 से ज्यादा भारतीय मजदूरों की मौत हो गई थी। इन सभी भारतीयों के शव भारत लाने की तैयारी है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 और मध्य प्रदेश की 1 सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली हार पर एनसीपी विधायक छगन भुजबळ का बड़ा बयान सामने आया है। भुजबळ ने अपने बयान में बीजेपी और यूपी का भी जिक्र किया है। बकरीद के मौके पर बीएमसी ने 114 स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति दी है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने एक याचिका लगाई गई थी। इस पर अदालत का फैसला आ गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने के लिए चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में मेरे हिंदू भाइयों और बहनों तक कहना बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज ठाकरे चुनाव से पहले ही कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए महायुति की सहयोगी एनसीपी की सुनीता पवार ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करते वक्त एनसीपी के नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 4 सीटों पर चुनाव कराया जाना है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत उछाल के साथ हुई है। बीएसई का सेंसेक्स 101.48 अंक या 0.13% की बढ़त के साथ 76,912 पर हुई है। एनएसई का निफ्टी 67.05 अंक यानी 0.28% की तेजी के साथ 23,464 पर खुला है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की दौलत में जल्द ही जबरदस्त इजाफा हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला से उन्हें $56 बिलियन का पैकेज मिलने के राह में एक और रुकावट दूर हो गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।